la cuchara en la hierba. एहसास हुआ इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। इसी कांड में बजरंग बली ने माता सीता के दर्शन पाए इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। इसी कांड में माता सीता ने बजरंग बली को सबसे पहले बेटा कहने पुकारा इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में बजरंग बली ने सोने की लंगा जलाई इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी का राज्य अभिषेक हुआ इसलिए सुंदर कांड। ये कांड ही पूरा सौंदर्य से भरपूर है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। बोलिए बजरंग बली की। आइए अब सबका ध्यान उनके सुंदर कांड पुस्तक पर। सभी अपने अपने सुंदर कांड पुस्तक खोल लें। बजरंग बली जलन का प्रस्थान करने लगे। जैसे ही प्रस्थान किए जिस पर्वत से छलांग मारी वो पर्वत पाताल में जाकर फंस गई। और जब बजरंग बली लंका को जाने लगे तो रास्ते में एक राक्षसी मिली जिसका नाम था सुरसा। सुरसा का मतलब होता है देवसा, पर वो देवसा नहीं थी। वो रास्ते में बजरंग बली को मिली, बोले कि आज तुम मेरे आहार पर हो, मेरी भूख मिटाओ। बजरंग बली बोले हे माता, मैं भी प्रभु राम के काम में जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, जब वापस आऊंगा तब मुझे खा लीजिएगा। सुरसा ने कहा नहीं अभी खाना है। सुरसा ने एक जोजन माने 12 किलोमीटर का मुंह बनाया। बजरंग बली ने 24 किलोमीटर का शरीर बनाया। सुरजा सुरसा ने जब 16 जोजन का मुंह बनाया, बजरंग बली ने 32 जोजन का मुंह बनाया। इस तरह से जब बजरंग बली ने सोचा मैं जितना बड़ा होते जाऊंगा सुरसा उतना बड़ा ताक करती जाएगी, बजरंग बली ने एक छोटी सी रूप बना के सुरसा के मुंह में जाकर फिर वापस आ गए। बोले माता मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे जाने दीजिए। इसीलिए कहते क्या मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुन सर अजीर बिहारी। जब बजरंग बली सुरसा माता से बोले मैं जा रहा हूँ मुझे जाने दीजिए, सुरसा माता क्या कहती है गौर सुनिएगा। राम काज सब करे हो तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गई सो मन चलो हनुमान सियावर रामचंद्र भगत जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय कबीर सुमरई जय माया कबीर जय गई, जीव जंतु दिख न उड़ाई जल तिलोक दिख के लहराई, करे काई सब दूर पुराई हे जगदा जग जय माई
Oh,
जय जय श्री राम। वहाँ एक भवन में मेरे
और बोले बाबा भोले नाथ